इसके अलावा एक और बैग देती है और कहती है ये बैग है, इस बैग को तुमको कतर ले जाना है और वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है वो आएगा, ये बैग तुम उसके हैंडओवर कर देना। शरीक थोड़ा सा घबराता है कि उस बैग में क्या पूछता है। क्राइम तक और शम्स की मुहिम असर लाई। कतर जेल में बंद बेगुनाह पति पत्नी को सरकार लाने के लिए हुई तैयार। इसी मामले में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डीजी राकेश अस्थाना ने की मुंबई पुलिस कमिश्नर से बातचीत। इसके महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल केपीएस मल्होत्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की है। अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही है कि हाँ, उनकी नॉलेज नहीं थी। इनोसेंस ड्रग्स वाले केस में है कॉन्शियस पोजीशन। अगर आपकी कॉन्शियस पोजीशन नहीं है तो अ पर्सन इज प्रसीव्ड टू बी इनोसेंट। बट ये एक फॉरेन लैंड में जाके एक बैग के साथ अरेस्ट हुए, वहां पे इन्होंने प्ली दी, बट उनके पास ये ऑप्शन नहीं थी कि इन लोगों को वेरीफाई करें। इट इज थ्रू द एमलेट चैनल, थ्रू LR, तो वो प्रोसेस लंबा है। और जब इनके हाथ से मिला तो देर वॉज नो अदर वे बट दे अरेस्टेड देम। बट जब हमें इस कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी करते करते एंड इस नेटवर्क को हमने पूरा समझा और इसका जो फोन में रिकॉर्डिंग थी उसको एनालाइज किया, तो वी कुड मेक आउट कि ही एंड हर वाइफ इज इनोसेंट। वेयर एज लेकिन जब तक सिंडिकेट बस नहीं होता, उनकी वॉलंटरी स्टेटमेंट्स नहीं आती, तो देन इवन जब ये निजाम का अरेस्ट हुआ तो उसने इस चीज को कन्फेस किया। कतर केस मामले में जुड़े दस्तावेजों को लेकर केपीएस मल्होत्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से ये मुलाकात की। यह मुलाकात बेहद जरूरी मानी जा रही है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस से कतर केस से जुड़े अहम दस्तावेज भी मांगे हैं। एनसीबी पुलिस से मिले सारे कागजात का अध्ययन कर अपनी समीक्षा रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को सौंपेगी। सिंडिकेट की अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंगल को कवर करें, इनका सोर्स ऑफ जो ड्रग है वो प्राइमरली J&K हिमाचल फॉर चरस एंड हशीश इनका आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से आके उस गांजे को प्रोसेस करना एट देयर लेबोरेटरीज, उसके बाद हशीश बनाना। क्योंकि साउथ इंडिया में काफ़ी डायस्पोरा बाहर है, बाहर भी गल्फ कंट्रीज में है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। जो नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ पे इस पूरे नेटवर्क के हैं, दे हैव क्रिएटेड अ नेटवर्क। उस नेटवर्क के जरिए कासरगोड, जो इन फेमसली नोन कासरगोड नेटवर्क है, क्योंकि वहाँ का सबसे हशीश काफ़ी अच्छी मानी जाती थी उस नेटवर्क की, तो इनके कुछ सिंडिकेट मेंबर्स तो कतर जेल में, दोहा जेल में और अदर जेल्स में अरेस्टेड हैं। वहां से बैठ के सिंडिकेट को ये एज अ डेस्टिनेशन चलाते हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं इस सिंडिकेट को एज अ सोर्स चलाते हैं, और टू गेट द ड्रग्स वहां तक पहुंचाने के लिए इनके पास कई मोडस ऑपरेंडाइज हैं। वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडाइज थ्रू ह्यूमन कैरियर्स। अब ह्यूमन कैरियर्स जा तो आप किसी को कॉन्शियसली पता है तो वो कुछ पैसे लेके जाएगा, बट किसी को नहीं पता तो आप उसको किसी इसी तरीके से करोगे कि आपकी वैसे ये पूरा पैकेज 2 लाख का है, हम आपको ये पैकेज 50,000 रुपये में देंगे, तो आदमी ले लेगा। जब उसे बेनिफिट नजर आएगा तो आप कहोगे यार एक मेरा ये दोस्त का बैग है ये भी ले जाओ। तो कुछ ऐसे भी मोडस ऑपरेंडी हैं। सो कुछ इनकी नॉन ग्रुप मेंबर्स हैं जो लेके जाते हैं, तो ये मिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। जल्द एनसीबी की टीम केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में कतर जाकर वहां की जेल में ड्रग्स के मामले में बंद बेगुनाह पति पत्नी को वापस लेकर आएंगे। बदले में कतर ड्रग्स मामले की मुख्य आरोपी को कतर सरकार को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।